Welcome to Studying with Zenith. For more videos, subscribe the channel and for latest update, follow us on Telegram and Instagram. अगर आपको इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस चाहिए तो वो सारी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगी. उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप जरूर चेक कर लेना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीसी का सेक्शन 2 और इस सेक्शन में जितने भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो कि आपके पूछे जाते हैं मेंस में, जो लिखने के लिए आते हैं ज्यादातर, और प्री में क्या क्या आता है ये भी मैं साथ साथ बताऊंगी आपको. और वही डेफिनेशन आज इस वीडियो में हम कवर कराएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछी जा चुकी हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी की, तो भाई ये सीपीसी का इंटरप्रिटेशन क्लोज है, यानी कि डेफिनेशन क्लोज है. मतलब यहाँ पर आपको उन शब्दों की परिभाषा देखने को मिलेगी जो कि सीपीसी में काफ़ी जगह इस्तेमाल हुए हैं. जनरली जो स्टैट्यूट होता है उसमें स्टार्टिंग में ही कोई सेक्शन वगैरह देके रखा होता है जिसमें जितने भी वर्ड्स वगैरह एक्सप्रेशंस वगैरह यूज हुए हैं स्टैट्यूट में उनको डिफाइन किया गया होता है. तो इसी तरीके से सीपीसी के सेक्शन 2 में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स जो कि सीपीसी में यूज हुए हैं उनका मीनिंग बताया गया है. एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो डेफिनेशन क्लोज होता है वो डिक्शनरी होता है स्टैट्यूट में जो टर्म्स या फिर वर्ड्स यूज हुए हैं उनका मीनिंग समझने के लिए, एक डिक्शनरी टाइप होता है. यहाँ पर सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी क्या कहलाता है, बेसिकली इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन क्लोज ऑफ सीपीसी, ये आपको पता होना चाहिए. तो सेक्शन 2 में काफी सारी चीजों की डेफिनेशन दी गई है जैसे कि कोर्ट, डिक्री, डिक्री होल्डर, डिस्ट्रिक्ट, फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट, गवर्नमेंट प्लीडर, हाई कोर्ट, इंडिया, जज, जजमेंट, जजमेंट डेटा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मीन प्रॉफिट, मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑर्डर, प्लीडर, प्रेस्क्राइब्ड, पब्लिक ऑफिसर, रूल्स, शेयर इन कॉर्पोरेशन एंड साइंड. तो ये सब टर्म्स की डेफिनेशन देखने को मिलेगी आपको सीपीसी के सेक्शन 2 में. तो जैसा कि सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी में काफी सारे शब्दों की परिभाषा देखने को मिलती है, तो यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं शब्दों की परिभाषा डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सेक्शन 2 के फर्स्ट क्लोज में सबसे पहले कोड डिफाइन किया गया है. कोड का मतलब होता है हिंदी में संहिता, जैसे कि आप पढ़ते हैं दंड प्रक्रिया संहिता या फिर दीवानी प्रक्रिया संहिता, या फिर अगर हम इंग्लिश में बताएं तो आप पढ़ते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. तो यहाँ पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई सीपीसी के तहत कोड का मतलब क्या है, कोड में क्या इंक्लूड होता है, ये बताया गया है सेक्शन 2 के फर्स्ट क्लोज में. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कोड में इंक्लूड होता है रूल्स, रूल्स मतलब नियम. तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है ये इंक्लूसिव है, मतलब ये एग्जॉजिटिव नहीं है बल्कि ये इंक्लूसिव है. तो इसका कहने का मतलब है कि भाई एक केस था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सीबी मिश्रा 1980 का. इस केस में ये बात हेल्ड हुई थी कि भाई ये जो टर्म है कोड जिसको सीपीसी के सेक्शन 2 के फर्स्ट क्लोज में डिफाइन किया गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस ही इंक्लूड नहीं होते हैं बल्कि इनके अंदर रूल्स इंक्लूड होते हैं, वो रूल्स जो कि फर्स्ट स्केड्यूल में दिए गए हैं, और वो वाले रूल्स भी जो कि हाईकोर्ट के द्वारा ये जो फर्स्ट स्केड्यूल में रूल्स मौजूद हैं उनको अमेंड करने के लिए बनाए जाते हैं, वो रूल्स भी यहाँ पर इंक्लूड है कोड की डेफिनेशन में. अब यहाँ पे रूल्स का मतलब क्या है, रूल्स का मतलब दिया गया है सेक्शन 2 के 18 क्लोज में. कह रहे हैं कि रूल्स का मतलब है रूल्स एंड फॉर्म्स जो कि आपके दे रखे हैं फर्स्ट स्केड्यूल में और जो कि सेक्शन 122 या फिर सेक्शन 125 के तहत बनाए जाते हैं. तो सेक्शन 122 एंड 125 के तहत हाई कोर्ट्स को पावर है कि वो क्या बनाती हैं, रूल्स बनाती हैं. तो भाई वो रूल्स भी मतलब सेक्शन 18 में ये जो रूल्स टर्म का मतलब बताया गया है इसके अंदर वो रूल्स भी इंक्लूड होते हैं जो कि सेक्शन 122 एंड 125 ऑफ सीपीसी के तहत हाई कोर्ट्स वगैरह को जो पावर है ना बनाने की, वो रूल्स जो बनाएगी हाई कोर्ट, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड होंगे. तो यहाँ पर इन दोनों ही सेक्शंस का आपस में कनेक्शन था तो इसलिए हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके आपको पढ़ाया. सेक्शन 22 में डिफाइन है डिक्री जिसको हिंदी में कहते हैं आज्ञापति. इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा क्योंकि ये इस वीडियो में डिस्कस नहीं की जा सकती है टर्म. तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका डिग्री का अच्छे से समझाया गया है, तो वो आपको आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी, एक बार आप जरूर चेक कर लेना. अब यहाँ पर सेक्शन 2 के थर्ड क्लोज में डिफाइन किया गया है डिग्री होल्डर को. कहा यह गया है कि भाई कोई पर्सन जिसके फेवर में डिग्री पास की गई है या फिर ऐसा ऑर्डर पास किया गया है जो कि एग्जीक्यूशन के लिए कैपेबल है, या फिर ऐसा कह सकते हैं ऐसा आदेश किया गया है जो कि निष्पादन योग्य है,
तो भाई वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, डिग्री होल्डर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो जो ए है और जो बी है, इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर लैंड को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। अब यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये लैंड है किसका। ए कह रहा था कि वो ए का है, बी कह रहा था वो बी का है। अब यहाँ पर जो ए है वो अंडर सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4 ऑफ सीपीसी क्या करता है, बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लांट सूट इंस्टीट्यूट करता है, संस्थित करता है। अब यहाँ पर अब जैसे कि ए ने सूट डाला है तो ए बन गया क्या, ए बन गया प्लेंटिफ यानी कि वादी, और जो बी है जिसके अगेंस्ट उसने सूट फाइल किया है वो बन गया है क्या, डिफेंडेंट बोले तो प्रतिवादी। अब यहाँ पर इनके बीच में केस चल रहा है, सूट फाइल हो रखा है, प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हैं सब न्यायालय में। अब एट द एंड पता चलता है कि भाई जो ये लैंड है वो किसका है, वो है डिफेंडेंट का यानी कि बी का। तो भाई बी के फेवर में अब डिग्री पास होगी ना, जहां पर कंक्लूसिवली ये डिटरमाइन कर दिया जाएगा कि भाई इस लैंड पर बी का राइट है। तो भाई बी के फेवर में आई डिग्री, तो बी क्या हो गया, डिग्री होल्डर हो गया। भाई ये तो डिफेंडेंट था, तो कहने का मतलब है कि डिग्री होल्डर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो प्लेंटिफ ही हो और जरूरी नहीं है कि वो डिफेंडेंट ही हो, कोई तीसरा पर्सन भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है, अब अगर मान लो ए के फेवर में आती डिग्री कि भाई ये जो लैंड है वो इसका है, कंक्लूसिवली ये डिटरमाइन कर दिया जाता डिग्री में कि भाई इस लैंड के ऊपर ए का ओनरशिप है, ठीक है, ये कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया जाता, तो तब ए के फेवर में डिग्री आती तो ए क्या हो जाता, डिग्री होल्डर हो जाता। अब यहां पर अगर हम इसका ऑपोजिट देखें, मान लो ए के फेवर में डिग्री आई है और बी के अगेंस्ट आई है, तो जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में आती है उसको कहते हैं जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर जो है आपका सेक्शन 2 के 10th क्लोज में डिफाइन किया गया है। सिंपली ये आपका डिग्री होल्डर के जस्ट अपोजिट ही इसका मतलब होता है, तो इसको यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जो डिग्री है वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट भी आ सकती है, डिफेंडेंट के फेवर में भी आ सकती है। तो डिफेंडेंट जो है वो डिग्री होल्डर भी हो सकता है, वो जजमेंट डेटर भी हो सकता है। दूसरी तरफ अगर प्लेंटिफ की बात करें तो भाई डिग्री जो है वो प्लेंटिफ के पक्ष में आ सकती है, अगर प्लेंटिफ के पक्ष में आती है तो प्लेंटिफ हो जाएगा फिर डिग्री होल्डर, और अगर प्लेंटिफ के अगेंस्ट आती है तब वो हो जाएगा जजमेंट डेटर। तो ये यहाँ पर चीजें आपने ध्यान रखनी है कि डिग्री होल्डर जो है वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि भाई वो प्लेंटिफ ही हो, क्योंकि ऐसा होता है ना दिमाग में, हम यही सोच लेते हैं कि डिग्री होल्डर जिसके फेवर में डिग्री आएगी, हम सोचते हैं भाई प्लेंटिफ के फेवर में ही आएगी और किसके, डिफेंडेंट के फेवर में तो नहीं आ सकती है, मतलब दिमाग में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। बट ये ध्यान रखना हमेशा, डिग्री होल्डर कोई भी हो सकता है, वो प्लेंटिफ भी हो सकता है, वो डिफेंडेंट भी हो सकता है। मान लो ये लैंड ना तो प्लेंटिफ की थी ना डिफेंडेंट की थी, किसी तीसरे पर्सन की थी, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, ये किसी और की थी तो उसके फेवर में आ गई जो सूट का पक्षकार भी नहीं था। तो भाई ये किसी ऐसे पर्सन के फेवर में भी आ सकती है डिग्री, कोई ऐसा पर्सन भी डिग्री होल्डर हो सकता है जो कि सूट का पार्टी ना हो। तो यही बात यहाँ पर लिखी है इन दोनों केसेस में, इन दोनों का पढ़ लीजिएगा। तो ये था आपका डिग्री होल्डर एंड जजमेंट डेटर, इन दोनों को हमने साथ में कनेक्ट करके पढ़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई डिग्री होल्डर कोई भी हो सकता है, डिग्री होल्डर की डेफिनेशन में वो प्लेंटिव भी हो सकता है, वो डिफेंडेंट भी हो सकता है, या फिर वो कोई और पर्सन हो सकता है जो कि सूट की पार्टी भी ना हो। तो ये चीज ना कई बार प्री में पूछी जा चुकी है, तो इसलिए हमेशा इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 2 का 5th क्लोज, जिसमें फॉरेन कोड डिफाइन किया गया है। फॉरेन कोड का मतलब है भाई वो कोर्ट जो कि आउटसाइड इंडिया यानी कि इंडिया के बाहर जो कोर्ट सिचुएट है, स्थित है, उसको कहते हैं कि भाई वो फॉरेन कोर्ट है। वो भी सिर्फ तभी जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा ना तो इस्टेब्लिश की गई हो ना ही कंस्टिट्यूट की गई हो, तब हम कहेंगे कि भाई अगर कोई कोर्ट है जो कि इंडिया के आउटसाइड सिचुएट करता है कि वो फॉरेन कोर्ट है। तो अगर फॉरेन कोर्ट जो है ये कोई जजमेंट देती है, कोई निर्णय देती है, फॉरेन कोर्ट मतलब विदेशी न्यायालय, तो विदेशी न्यायालय अगर कोई जजमेंट देती है तो वो सीपीसी के सेक्शन 2 के 6th क्लोज के तहत क्या माना जाता है, फॉरेन जजमेंट माना जाता है, विदेशी निर्णय माना जाता है। 2018 में यूपीपीसीएस जे के मेंस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट इज फॉरेन जजमेंट एंड ये कब कंक्लूसिव होता है। तो फॉरेन जजमेंट क्या होता है वो तो आप यहाँ से लिख देंगे, लेकिन ये कब कंक्लूसिव होता है इसके लिए आप रेफर करेंगे सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी। और फॉरेन जजमेंट के साथ आप मिलाकर पढ़ सकते हैं कौन कौन से सेक्शन, एक तो सेक्शन 14 पढ़ सकते हैं एंड एक सेक्शन 44A। तो ये सारे सेक्शन एक साथ आप कनेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका सेक्शन 2 का 7th क्लोज, इसमें बताया गया है कि भाई गवर्नमेंट प्लीडर कौन होते हैं। भाई कोई ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, किस चीज के लिए,
to perform all or any of the functions expressly imposed by this court on the government pleader. CPC के तहत जो government pleader के functions बताए गए हैं expressly impose किए जाते हैं वो functions, तो अगर state government के द्वारा किसी officer को उन functions को पूरी तरीके से या फिर उनमें से किसी function को perform करने के लिए appoint किया जाता है तो उसको कहते हैं हम क्या, government pleader. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि भाई अगर कोई प्लीडर एक्ट कर रहा है गवर्नमेंट प्लीडर के डायरेक्शंस में तो वो भी गवर्नमेंट प्लीडर है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 क्लोज 7 ऑफ सीपीसी. अब यहाँ पर गवर्नमेंट प्लीडर का अगर हम एक एग्जांपल आपको दें तो वो है लाइक जैसे कि असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट जो होते हैं वो गवर्नमेंट प्लीडर होते हैं. अब यहाँ पर हम सेक्शन 2 का जो 15th क्लोज है यहाँ पर प्लीडर डिफाइन किया गया है, इसको कनेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट प्लीडर के साथ, इसको कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर प्लीडर का मतलब बताया गया है, कहा गया है कि भाई कोई पर्सन जो कि एंटाइटल होता है दूसरे के लिए कोर्ट में अपीयर होने के लिए एंड प्लीड करने के लिए, तो भाई वो व्यक्ति कहलाता है क्या, प्लीडर. और प्लीडर में इंक्लूड होते हैं एडवोकेट, वकील और हाई कोर्ट के जो अटॉर्नी होता है वो इसमें इंक्लूड होते हैं. तो बेसिकली यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आ रखा है राजस्थान जुडिशियरी में 2018 में कि प्लीडर कौन होते हैं और इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, 3 मार्क्स का आ रखा है. तो प्लीडर कौन होते हैं इस चीज़ के लिए आप ये लिख दीजिएगा, और इनका अपॉइंटमेंट आप लिखेंगे कहाँ से, ऑर्डर नंबर 3 के रूल नंबर 4 से. तो ये आपने अच्छे से ध्यान रख लेना है कि ये 2018 में पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है, 3 मार्क्स का पूछा गया है. नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन 2 का जो 8 क्लोज है वहाँ पर बताया गया है कि जज कौन होते हैं. जज सिंपली सिविल कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब यहाँ पर सीपीसी में जहाँ पर भी आपको जज लिखा हुआ देखने को मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, सिविल कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात की जा रही है, ये आप ध्यान रख लेना. अब यहाँ पर सेक्शन 2 का जो 9th क्लोज है यहाँ पर बताया गया है जजमेंट क्या होता है. जजमेंट सिंपली स्टेटमेंट होता है जो कि जज के द्वारा दिया जाता है ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर, ठीक है, मतलब क्यों डिग्री आया है, ऑर्डर आया है, उसके पूरे ग्राउंड्स वगैरह सब कुछ मेंशन होता है. लाइक जैसे कि जो जजमेंट की अगर हम बात करें, जो शब्द है ये ड्राइव हुआ है 2 शब्दों से, एक तो हो गया जज, दूसरा हो गया स्टेटमेंट, इन दोनों को मिलाकर बना है क्या, जजमेंट, यानी कि जज की स्टेटमेंट. कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एन एक्ट ऑफ जजिंग, जज करने का जो एक्ट है उसको हम जजमेंट कह सकते हैं. इट इज द कंक्लूजन और रिजल्ट ऑफ जजिंग कि भाई जो जज किया गया है, जो चीज़ जज की गई उसका क्या कंक्लूजन निकल कर आया है, क्या रिजल्ट निकल कर आया है, ये चीज़ होता है आपका जजमेंट. द जज वेन एवर पासिंग एन ऑर्डर और डिक्री गिव्स डिटेल्स ऑफ द रीजंस फॉर पासिंग सच डिक्री और ऑर्डर. जब भी कोई जज के करता है, कोई ऑर्डर पास करता है या फिर कोई डिक्री देता है, डिक्री निकालता है, तो उस चीज़ के लिए रीज़न देता है कि भाई क्यों निकाली है डिक्री, क्यों ऑर्डर आया है. तो वो जो रीजंस वो देता है, डिटेल जो देता है, डिटेल में जो रीजन देता है उसको कहते हैं हम जजमेंट. अब अगर हम बात करें कि भाई जजमेंट के क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, ये एक केस था, इस केस में बात हेल्ड हुई थी कि जजमेंट के एसेंशियल एलिमेंट होते हैं कि क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए कोई जिसमें क्या होगा कि डिसीजन का ग्राउंड्स लिखा होगा कि भाई क्यों आया है डिसीजन, पूरे ग्राउंड्स वगैरह सब कुछ. सो एवरी जजमेंट अदर देन दैट ऑफ अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, यानी कि हर एक जजमेंट जो कोर्ट होते हैं ना स्मॉल कॉजेज कोर्ट, इनके जजमेंट को छोड़कर, ठीक है, हर एक जजमेंट में क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए, अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, केस के फैक्ट्स वगैरह, ठीक है, कंसाइजली लिखे होने चाहिए. एंड द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन के पॉइंट्स हो गए, द डिसीजन देयर ऑन, क्या डिसीजन आया, रीजन क्या थे डिसीजन के, ये सब इंक्लूड होना चाहिए. अब अगर हम बात करें कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज के जजमेंट की तो उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए, बी एंड सी पॉइंट, ये दोनों ही काफ़ी हैं, द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन एंड द डिसीजन देयर ऑन. तो ये चीज़ें हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ जजमेंट, ये आप ध्यान रखिएगा. एंड एक जो जजमेंट होता है उसमें क्या कंटेंट होता है, सिंपली फैक्ट्स ऑफ द केस, इश्यूज इन्वॉल्व, क्या इशू थे, और एविडेंस ब्रॉट बाय द पार्टीज, जो पार्टीज ने एविडेंस वगैरह दिए, फाइंडिंग्स ऑन इश्यूज बेस्ड ऑन एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस के आधार पर जो भी फाइंडिंग आई इश्यूज पर वो, तो ये सब चीजें आपकी बेसिकली जजमेंट में होती हैं. एवरी जजमेंट शैल इंक्लूड अ समरी ऑफ द प्लीडिंग्स, प्लीडिंग्स की समरी, ठीक है, प्लीडिंग्स क्या होती है, प्लीडिंग्स होती है आपका रिटर्न स्टेटमेंट को प्लीडिंग कहते हैं, प्लेंट को प्लीडिंग कहते हैं. प्लीडिंग के लिए आपका दिया गया है ऑर्डर नंबर 6 और रूल 1 में बताया गया है ऑर्डर नंबर 6 के कि प्लीडिंग क्या होती है, रिटर्न स्टेटमेंट या फिर प्लेंट, इनको कहते हैं प्लीडिंग. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि समरी होनी चाहिए प्लीडिंग्स की, जो प्लेंट होती है वो प्लेंटिफ की तरफ से लिखी होती है, जिसके प्रेजेंटेशन से क्या होता है, सूट का इंस्टीट्यूशन होता है अंडर सेक्शन 26 एंड ऑर्डर नंबर 4 ऑफ सीपीसी के तहत.
सूट का इंस्टीट्यूशन कैसे होता है, बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लांट। सिंपल सी चीजें बार बार यहाँ पर मेंशन है कि ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, जजमेंट में इंक्लूड होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं सेक्शन 2 का 14th क्लोज, जहाँ पर ऑर्डर को डिफाइन किया गया है। बेसिकली कई बार इससे क्वेश्चन आपका प्री में बनता है कि भाई ऑर्डर कौन से सेक्शन में डिफाइन है। दूसरी चीज, इससे क्वेश्चन मेंस में बहुत आते हैं। लाइक ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा डिग्री, ऑर्डर, जजमेंट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ऐसे आ जाएगा ऑर्डर और जजमेंट में क्या डिफरेंस है। ऐसे आ जाएगा ऑर्डर और डिग्री में क्या डिफरेंस है। ऑर्डर और डिग्री में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो कि आई बटन पर आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें सिंपल शब्दों में कि भाई ऑर्डर क्या होता है, तो कोर्ट के द्वारा इशू किया गया ये एक डायरेक्टिव होता है जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लिटिगेशन इशू किया गया होता है, जो कि जनरली एक पार्टी को या फिर दूसरे पार्टी को कुछ करने के लिए समथिंग स्पेसिफिक जो कि भाई रिक्वायर्ड है बाय द लॉ करना, ठीक है, वो चीज करने के लिए क्या करता है, कंपेल करता है, ठीक है। इस चीज को हम कहते हैं कि ये क्या है, कोर्ट का ऑर्डर है, इट इज ऑर्डर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो बताया गया है कि भाई ऑर्डर का मतलब होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। मतलब भाई सिविल कोर्ट के डिसीजन का जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है, यानी कि इट शुड बी एज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन एंड द डिसीजन शुड बी प्रोनाउंस बाय द सिविल कोर्ट एंड द फॉर्मल एक्सप्रेशन शुड नॉट बी डिक्री। तो ये जो तीन पॉइंट्स मैंने बताया ये क्या है, ऑर्डर के इसेंशियल इंग्रेडिएंट है। तो ऑर्डर जो है वो फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसी डिसीजन का जो कि सिविल कोर्ट के द्वारा दिया गया है, जो कि डिक्री नहीं है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें कि जजमेंट ऑर्डर, इन दोनों में बेसिक सा अगर छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताऊं तो सिंपल सा डिफरेंस यही है कि जो जजमेंट है वो क्या कर देता है, केस को, सूट को एंड करता है। बट जो ऑर्डर है वो ऐसा कुछ नहीं करता है, ठीक है। ऑर्डर आ गया और केस एंड हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जजमेंट जब आता है ना तो इसका मतलब क्या है, केस हो गया एंड। बट ऑर्डर अगर कोई आया है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई आपका जो केस है वो एंड हो गया है। अब यहाँ पर जो ऑर्डर है वो अगर क्लर्क के द्वारा लिखे गए हैं एंड कोर्ट के द्वारा उन पर साइन किया गया है, तो इस तरह के जो ऑर्डर है इनको माना जाता है प्रॉपर ऑर्डर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सेक्शन 2 के 11th क्लोज की, जहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिफाइन किया गया है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हिंदी में कहते हैं विधिक प्रतिनिधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, कई बार डायरेक्टली पूछी जा चुकी है मेंस में भी और प्री में भी कि भाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पर डिफाइन है, और मेंस में इस तरीके से क्वेश्चन बना है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिफाइन कीजिए। तो यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है वह व्यक्ति जो कि लॉ के तहत डिसीज पर्सन, बोले तो मृतक व्यक्ति की जो स्टेट है, जो संपदा है, उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, वह व्यक्ति कहलाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और इसमें इंक्लूड होता है कोई व्यक्ति जो कि क्या करता है, डिसीज पर्सन की जो स्टेट है उसके साथ इंटरमेडल्स करता है, दखलअंदाजी करता है, इंटरवेन करता है, तो वो व्यक्ति यहाँ पर इंक्लूड है। एंड वेर अ पार्टी सूज और इन और इज सूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर द पर्सन ऑन होम द स्टेट डिवॉल्व्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी सो सूइंग और सूड। तो जहां पर कोई जो पक्षकार हैं वो क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में वाद लाते हैं या फिर उनके ऊपर वाद लाया जाता है, तो भाई ये जो वाद लाए हैं या फिर इनके ऊपर इस तरीके से वाद लाया गया है, जब ये मरेंगे तो इनके मरने पर जिस व्यक्ति को क्या होगी, जो स्टेट है, जो संपदा है, वो डिवॉल्व होगी, जिस व्यक्ति को डिवॉल्व होगी, न्यायगत होगी, जिस व्यक्ति को वो ट्रांसफर होगी, वो व्यक्ति भी यहाँ पर कहलाएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव में सिंपल शब्दों में अगर हम बताएं कौन कौन इंक्लूड होते हैं, जैसे कि डेफिनेशन जो है ये एग्जॉस्टिव नहीं है बल्कि ये इलस्ट्रेटिव है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव में कौन कौन इंक्लूड होता है, इसमें नेचुरल हेयर जो होते हैं वो तो इंक्लूड होते ही हैं, साथ ही यहाँ पर आपके जो एग्जीक्यूटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। लाइक इसके अलावा अगर हम और बताएं आपको तो इसमें इंक्लूड होते हैं हिंदू को पर्सनर्स, रेसिड्यूरी लिगेटीज, ठीक है, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मेन प्रॉफिट की, जो कि सेक्शन 2 के 12 क्लोज में डिफाइन किया गया है, इससे कई बार क्वेश्चन प्री में पूछा जा चुका है कि किस सेक्शन में आपका मेन प्रॉफिट डिफाइन है, और ये जो जितना भी यहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा से, इस डेफिनेशन से कई क्वेश्चन बन चुके हैं डायरेक्टली इसी परिभाषा से, इससे बाहर का कुछ नहीं पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ जितना यहाँ पर लिखा है उसी से डायरेक्टली पूछा जा चुका है प्री में। और मेंस में कई बार डायरेक्टली ये पूछा जा चुका है कि भाई मेन प्रॉफिट को डिफाइन कीजिए। तो होता क्या है मेन प्रॉफिट, तो मेन प्रॉफिट अगर हम सिंपल भाषा में आपको बताएं, जैसे कि जो ए है एंड जो बी है, अब मान लो क्या है, यहाँ पर एक लैंड है, ऐसी लैंड है जिसके ऊपर खेती वगैरह की जाती है। अब जो ए है असल में वो लैंड उसकी है, ए असल में इस लैंड का क्या है, ओनर है, बट जो बी है
वो इस लैंड के ऊपर रॉन्गफुल पोजेशन किए हुए है, अविधिक रूप से कब्जा जमाए हुए है। अब यहाँ पर होता क्या है, जो ए है वो सूट डालता है बी के खिलाफ कि भाई वो रॉन्गफुल पोजेशन में है मेरी लैंड के, मुझे मेरी लैंड वापस दिलवाओ। अब सूट न्यायालय में गया, अब सूट में डिसीजन आने में, जजमेंट आने में, डिक्री आने में लगभग कितना टाइम लग गया, 6 से 7 साल लग गया। अब आपका जजमेंट आया कि भाई जो ए है, अब डायरेक्ट डिक्री में बता दिया गया कि भाई जो ए है वो इस लैंड का मालिक है, ये जो लैंड है पर्टिकुलर ये ए की है। अब यहाँ पर ही जो 6-7 साल तक बी ने रॉन्गफुली यहाँ पर पजेशन किया हुआ था, अगर ये इस पर पजेशन किए हुए नहीं होता तो ए इस लैंड से पूरा लाभ लेता, क्योंकि वो उसकी लैंड थी, वो उसमें खेती करता, खूब सारी खेती वगैरह करता, खूब सारा कमाई करता, बट वो नहीं हो पाया। तो अब जो ए है, ये जो नुकसान उसे हुआ है, इस नुकसान के लिए क्या करेगा, केस फाइल करेगा, किस चीज का, मीन प्रॉफिट का। अब यहाँ पर मीन प्रॉफिट क्या हुआ, अब यहाँ पर मीन प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो मीन प्रॉफिट है कि भाई वो प्रॉफिट जो कि बी ने कमाया है इस लैंड से जहां पर उसका रॉन्गफुल पोजेशन था। ठीक है, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जाती है, यहाँ पर मीन प्रॉफिट के केस में सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जाती है। तो यहाँ पर बी इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के रॉन्गफुल पोजेशन में था, तो जो भी प्रॉफिट इसने इस इमूवेबल प्रॉपर्टी से क्या किया है, गेन किया है, वो मीन प्रॉफिट कहलाएगा। और वो प्रॉफिट भी मीन प्रॉफिट कहलाएगा। मान लो यहाँ पर छोटी सी दुकान खोलकर बैठ रखा था बी, ठीक है, इसमें इतना ज्यादा इसने कुछ कमाई नहीं की, लेकिन अगर बी जो है पूरे खेत में खूब सारी खेती वगैरह करता तो वो खूब सारा लाभ कमा सकता था, ठीक है, जो कि उसने असल में नहीं कमाया है। तो वो प्रॉफिट जो वो कमा सकता था अगर वो खेती वगैरह करता, तो वो प्रॉफिट भी यहाँ पर क्या माना जाएगा, मीन प्रॉफिट माना जाएगा। इसके साथ साथ इसमें इंक्लूड होता है क्या, इंटरेस्ट, ठीक है, जितना ब्याज वगैरह है इस प्रॉफिट के ऊपर सब इंक्लूड होगा। बट अगर मान लो इस खेत में क्या कर दिया है, बी ने एक कुएं का निर्माण कर दिया है, बी ने जो इम्प्रूवमेंट किया है, लाइक यहाँ पर उसने कुआं खोद दिया था, और उस इम्प्रूवमेंट से जो भी उसको प्रॉफिट हुआ है वो मीन प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होता है, ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो बी है उसका पोजेशन क्या होना चाहिए, रॉन्गफुल पोजेशन होना चाहिए, ये भी आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इतनी सी बात है आपकी मीन प्रॉफिट के बारे में कि मीन प्रॉफिट क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इन सिंपल टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट रिसीव्ड और कुड हैव बीन रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। तो ये शॉर्ट में भी आप लिखकर आ सकते हैं। तो बेसिकली एक केस था रंगा राव वर्सेज रामा दास, इस केस में बात हेड हुई थी कि जो मीन प्रॉफिट है उसका मतलब वही है जो कि सेक्शन 2 के 12 क्लोज में डिफाइन किया गया है एंड सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी में जो दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सेक्शन 2 के 13 क्लोज की, जहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है, तो इसमें इंक्लूड होती है ग्रोइंग क्रॉप्स, बिकॉज उनको काटा जाना होता है, क्योंकि उनको रिमूव किया जाना होता है लैंड से, तो इसलिए जो ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं, जो फसल वगैरह होती हैं, ठीक है, जो उगाई जाती है फसल वगैरह, क्योंकि उनको काटना ही है जमीन से, तो भाई वो मानी जाती है मूवेबल प्रॉपर्टी। स्टैंडिंग टिम्बर जो होते हैं उनको क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उनको काटा जाना है। स्टैंडिंग टिम्बर मतलब खड़ा कास्ट, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। इसी तरीके से आपका आईपीसी का सेक्शन है 22, वहां पर भी मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। तो अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखनी है जो आईपीसी में दी गई है, वो यहाँ पर आई बटन पर आपको मिल जाएगी। सेक्शन 2 के 17 क्लोज में पब्लिक ऑफिसर कौन होगा सीपीसी के तहत, ये बताया गया है, और ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, मेंस में पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस पे ध्यान देना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा इसको पढ़ें बैठ के, क्योंकि बहुत बड़ा है ये क्लोज। तो यहाँ पर सिंपली ये जान लो कि हर एक जज, एवरी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, एवरी गजेटेड ऑफिसर ऑफ यूनियन, या फिर ऐसे कह सकते हैं एवरी कमिश्नर गजेटेड ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, नेवल, एयरफोर्स, वाइल सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट, ये सब क्या है, ये सब पब्लिक ऑफिसर हैं। और एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस और ऑफ गवर्नमेंट, अ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, अ रिसीवर, अ विलेज हेडमैन, एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, अ शेरिफ ऑफ बॉम्बे, अ बेंच क्लर्क ऑफ सिविल कोर्ट, एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, अ कस्टोडियन ऑफ एवेक्यूई प्रॉपर्टी, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड एडवोकेट, एंगेज बाय द गवर्नमेंट ऑन डे फीस, एन इनकम टैक्स ऑफिसर एक्सेट्रा आर पब्लिक ऑफिसर्स। तो बस ये लिस्ट आप ध्यान रखना कि कौन कौन पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, और साथ ही ये आप ध्यान रखें कि हर एक वो ऑफिसर जो कि है
इन द सर्विस और पे ऑफ गवर्नमेंट या फिर जिसको रिम्यूनरेशन मिलता है बाय द फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, पब्लिक ऑफिसर है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 क्लोज 17 ऑफ सीपीसी। बट अगर कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर कोई पोर्ट कमिश्नर है, कोई लिक्विडेटर है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, या फिर कोई चेयरमैन है म्यूनसिपालिटी का या फिर अ म्यूनसिपल काउंसिलर है, एन ऑफिसर ऑफ अ कॉरपोरेशन, ये सब पब्लिक ऑफिसर नहीं है। और बाकी ये जो है सेक्शन 2 का 16 क्लोज, प्रेस्क्राइब का मतलब क्या है, प्रेस्क्राइब बाय रूल्स है इसका मतलब, एंड सेक्शन 2 का 19 क्लोज जहाँ पर शेयर इन कॉरपोरेशन क्या होता है ये बताया गया है, एंड सेक्शन 2 का 20 क्लोज यहाँ पर साइंड का मतलब क्या है ये बताया गया है। तो यहाँ पर प्री में क्वेश्चन बनते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज जो है ये किस सेक्शन में डिफाइन है, बाकी कुछ नहीं आता है इसमें। अब अगर हम बात करें कि सेक्शन नंबर 2 से मेंस में किस किस शब्द की डेफिनेशन आती है, तो ये चीज आप टिक कर लीजिएगा। तो जो आपका डिक्री है उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो डिक्री ये जो टर्म है इसका अपने आप में ही आपने बहुत अच्छे से मटेरियल तैयार करना है और आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है डिक्री को, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन ऐसा आता है डिक्री और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, और डिक्री और आपका जो जजमेंट होता है उसमें क्या डिफरेंस है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो जो ऑर्डर है और आपका जजमेंट है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, टिक कर लेना इनको। और डिग्री होल्डर की भी डेफिनेशन आती है, और आपका आती है डेफिनेशन जजमेंट डेटर की, और आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन आती है। मीन प्रॉफिट क्या होता है ये पूछा जाता है आपसे, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी पूछी जाती है, और आपका पब्लिक ऑफिसर क्या होता है ये भी पूछा जाता है, और फॉरेन जजमेंट आता है। तो ये कुछ हैं जो आपने टिक करने हैं बहुत अच्छे से कि भाई ये मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये टर्म्स, इनको बहुत अच्छे से आपने तैयार कर लेना है। बाकी ये आपको सब में पता होना चाहिए कि भाई कोड कहाँ पर डिफाइन है, फॉरेन कोड कहाँ डिफाइन है, मतलब जितनी भी टर्म्स यहाँ पर डिफाइन की गई हैं किस क्लोज में है सेक्शन 2 के, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करना, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही आपको बता दूं कि जो सीपीसी के वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उसकी जो ई बुक है हमारी वीडियोज लेक्चर की जो ई बुक है वो हम तैयार कर रहे हैं साथ साथ में ही, तो लगभग नवंबर तक वो तैयार हो जाएगी। अगर आपको वो खरीदनी है तो उसका प्राइस 100 रुपीज़ रहने वाला है। आप उसको खरीदने के लिए हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और आईपीसी के जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं हमारे, उसकी भी ईबुक अवेलेबल है, उसको खरीदना है आपने तो उसके लिए भी आप हमें मेल कर सकते हैं। और हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके जो हमारे लेक्चर हैं सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 167 तक के, उसका भी ईबुक अवेलेबल है। ईबुक मतलब पीडीएफ नोट्स, ठीक है, वो अवेलेबल है। अगर आपको खरीदने हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस पर हमें आप मेल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।